कि रात को किसका फोन आया। It's you. Happy Valentine's Day to you too, Devika. देख, ना तेरे पास कोई वैलेंटाइन है और ना मेरे पास कोई वैलेंटाइन है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे को विश कर ले। तेरे पास नहीं होगा लेकिन मेरे पास तो है। कौन? मेरा टेडी, मेरा गोलू मोलू। मैंने तो इसी के साथ अपना वैलेंटाइन्स डे सेलिब्रेट कर लिया। अवनी, मजाक छोड़ यार। सोच, आज पूरी दुनिया वैलेंटाइन्स डे सेलिब्रेट करती है। तुझे नहीं लगता कि हमारे आसपास भी कोई प्यार करने वाला होना चाहिए? सच बताओ तो कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि जब मुझे प्यार होगा तो कैसे होगा, किससे होगा, कैसा फील होगा मुझे? क्या मुझे पहली नजर में प्यार होगा या अचानक से एक दिन रियलाइज होगा? हाँ यार, सोचती तो मैं भी हूँ। और फिर हमें कितने सारे गिफ्ट भी मिलेंगे ना, जैसे कि क्लोथ, डिजाइनर बैग्स, लेटेस्ट ज्वेलरी। वाह, कितना मजा आएगा, है ना? कितनी सेल्फिश है ना तू, तुझे प्यार से ज्यादा गिफ्ट्स की पड़ी है। अरे इसमें सेल्फिश क्या है, गिफ्ट तो हर लड़की को चाहिए होते हैं। क्यों, तुझे नहीं चाहिए होंगे क्या? नहीं, मुझे इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए। वो बस प्यार से मुझे एक रोज, एक चॉकलेट दे दे, मेरे लिए वही काफी है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। कि तेरे चेहरे के नूर से रोशन मेरा जहां है, अब तू ही मेरा खुदा है, अब तू ही मेरा खुदा। हाय हाय हाय, वाह। वैसे बुआ जी कविता अच्छी लिख लेते हैं, है ना? मानना पड़ेगा। पर आपको नहीं लगता कि उनकी लाइंस नहीं है? आई मीन, उन्होंने शायद इंटरनेट से निकाली है। किसी और का प्यार आपको चिपका दिया उन्होंने। पर फीलिंग्स तो फूफा सा की है ना, है ना? एकदम सही बोल रही है तू। तुझे क्या पता प्यार व्यार के बारे में? तू जा जाके अपनी पॉलिटिक्स ही कर, समझा ना? आया बड़ा, किसी और की लाइंस आपको चिपका दिए तो पे। अरे अरे बुआ जी, ये माथे का टीका और गुलाब आप ऐसे रखने वाले हो क्या? हाँ, क्यों नहीं, आई मीन टू से ये गुलाब तो मुरझा गया है। क्या? हाय मेरे साबरा, अभी से मुरझा गया? अभी जरा देख तो सही, थोड़ा पानी छिड़कू क्या इस पे? देख देख। हाँ बुआ सा, थोड़ा मुरझा गया है। क्या क्या करूँ मैं? आभास, तू फिर अपनी बुआ को तंग कर रहा है ना? अरे नहीं माँ, मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि बुआ जी के लिए फूफा जी क्या कौन से गिफ्ट लेके आए हैं। सुंदर है ना माँ? बहुत सुंदर, एकदम हमारी साबरी जैसे। माँ, पापा ने आपको क्या दिया वैलेंटाइन्स डे गिफ्ट? हाँ, ये सब हमारे बीच में नहीं होता है। क्यों, क्यों नहीं होता? वैलेंटाइन्स डे तो सबके लिए होता है। ये तुम यंगस्टर्स को ही सूट करता है। वैसे भी तुम्हारे पापा को ये सब कहाँ आता है? सही कह रहे हो, पापा किसी को फीलिंग एक्सप्रेस करें ये तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई फाइटिंग डे होता ना, सबसे आगे होते आप देखते। आभास, ऐसा मत बोलो भाई, पापा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? और स्पेशली माँ से, है ना? और भाई, आज वैलेंटाइन डे, अर्पिता के लिए कुछ करने का इरादा है? आज भी काम में ही? ओ, पासा, वैलेंटाइन्स डे आज है क्या? अरे यार, हमने इस उम्र में भी तुम्हारी बुआ को इतने सारे गिफ्ट दिए और तो और अपने पसंद के गिफ्ट मांग भी लिए, और एक तुम हो जिसे ये याद नहीं कि आज क्या है? ओहो, इस उम्र में भी से का क्या मतलब है? भाई, बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से हम दोनों इन लोगों से उम्र में थोड़े ही बड़े हैं। और जहाँ तक दिखने का सवाल है, मैं इन लोगों से कम साल भर या 6 महीना छोटी ही लगती हूँ। क्या ख्याल है? बोलने का मतलब था कि हम तुम वो सब छोड़ो और तुमने ये उम्र की बातें मत किया करो, बस उम्र भर मुझसे यूं ही प्यार करते रहे। अच्छा, क्या हो रहा है? जो नए टेंडर्स हैं उन पे काम हो रहा है और मीटिंग्स भी फिक्स हो गई हैं जो नए फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन सब के साथ। भाई, मैं बिजनेस के बारे में नहीं पूछ रहा, वो तो फिर डैड, घर में जिसके बारे में बात चल रही है, क्या कहते हैं, हाँ, वैलेंटाइन्स डे, ये मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल वैलेंटाइन्स डे है। कब से इंतजार था मुझे इस दिन का। तुम चाहती तो मुझे मना भी कर सकती थी, लेकिन तुमने किसी की परवाह नहीं की और वही किया जो मैंने कहा तुमसे करने। That is why
That is why I love you so much. Dad, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? पार्किंग तो आ गया ना? वो देखो. Oh God, ये तो अक्षय के फूफा जी है ना? लग तो वो ही रहे हैं. लेकिन ये अवनी के फूफा जी किसी दूसरी औरत के साथ, वो भी इतने क्लोज. बुरा लगेगा अक्षत को जब उसे पता चलेगा कि उसके फूफा जी का अफेयर है. अवनी भी अपनी बुआ से कितना प्यार करती है, उसका तो दिल ही टूट जाएगा. क्या करे? तुम्हारे कहने पर साबरी से एंजेलिना जोली बनी हूँ मैं. वरना अगर घर पर किसी ने खबर पहुँचा दी ना कि मैं इन कपड़ों में बाहर घूम रही थी तो मेरी खैर नहीं. जब प्यार किया तो डरना क्या? मैं जल्दी से गाड़ी आगे लेता हूँ, तुम फोटो ले लेना. ठीक है? हाँ ठीक है. गुड आइडिया. ओह गॉड, क्या हुआ? जानती हो उस औरत को? ये तो साबरी बुआ जी है. थैंक गॉड अपनी पिक ले ली, मेरा मेरा बात की मतंगड़ बन जाता. पर आई कांट बिलीव इट, बुआ जी इस ड्रेस में. आई मीन वाओ. चलें क्या उनसे मिलने? तुम अक्षत से मिलने आई हो कि बुआ से? तो वो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे. आपकी कार में ये चॉकलेट्स? लगता है कोई बच्चा बैठा था आपकी कार में. नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं, ये चॉकलेट्स असल में. लगता है हम कोई खास मीटिंग के लिए जा रहे हैं. आपके चेहरे से लगता है कि आप बहुत नर्वस हैं. नर्वस तो मैं हूँ, आज पहली बार इस तरह की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ. लेकिन आप बिल्कुल नर्वस मत होइए, मुझे आप पर पूरा यकीन है. देखना, आपके क्लाइंट्स आपसे मिलते ही बहुत खुश हो जाएंगे. आई होप वो खुश हो. अच्छा देखिएगा, पीछे ब्रीफकेस में कुछ जरूरी पेपर्स रखे हैं, प्लीज चेक कर लीजिए वो ठीक से रखे हैं. नहीं ये रोज, ये कार्ड. हाँ वो आज वैलेंटाइन्स डे है ना. So, happy Valentine's Day. लेकिन ये सब आपने वो मुझे लगा कि घर में सभी लोग ये सब चीजें सेलिब्रेट करते हैं तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा कि साथ में एक मेरा मतलब है कि आपने मेरे लिए और परिवार के लिए इतना सब कुछ दिया है और मैं थैंक्स बोलना चाहता था. सो थैंक यू सो मच भावना, आप मेरी जिंदगी में नहीं आती तो. अब बस कीजिए, नहीं तो या तो मैं रो दूंगी या फिर हंस दूंगी. हैप्पी वैलेंटाइन डे. हम वो आई अंडरस्टैंड, क्या लेना पसंद करेंगे आप? सूप, वेजिटेबल सूप. ऑफ कोर्स. सूप पीने का मन भी है कि यूं ही घबरा कर मंगवा दिया? नहीं नहीं, पीऊंगी ना, मैं क्यों घबराऊंगी. तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम काफी नर्वस हो, इसने मुझे पूछा भी नहीं कि मुझे क्या खाना है. सॉरी सॉरी, मैं. इट्स ओके, ऐसा होता है. क्या होता है? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि कैसा होता है, बस सुना था कि ऐसा होता है, इसने बोल दिया ऐसा होता है. चॉकलेट खाओगी? हैव वन बाइट ना, सूप आने तक बहुत अच्छी है. एक मिनट, देविका का मैसेज. ये चॉकलेट्स मेरे प्यार का पहला तोहफा है अवनी, तुम्हें खानी तो पड़ेगी. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर.